नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम, मैं हूं तानिया। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस तक नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्या इस बात को समझना इतना मुश्किल था? 22 फरवरी की रात 10:30 बजे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर हिंसा की शुरुआत हुई। 23 फरवरी को कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयान ने आग में घी डालने का काम किया। इस हिंसा ने इतना भयानक रूप ले लिया कि अब तक इसमें 35 लोगों की जान जा चुकी है और मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इन भड़काऊ बयानों की देन है कि दिल्ली में सरेआम गोलियां चलाई गई, लोगों के मकानों और दुकानों में आग लगाई गई, लोगों की रोजी रोटी तक छीन ली गई। जिस दिल्ली को राजनीति का केंद्र माना जाता था, आज उसी दिल्ली में गंदी राजनीति की भेंट 35 लोग चढ़ गए। अभी भी सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली की इस हिंसा में जो ताजा नाम सामने आया है, वो नाम है ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की है और ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि पत्थरबाजी की आड़ में अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद का नाम यूं ही नहीं उछाला जा रहा। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दावा किया गया था कि ताहिर हुसैन के छत से पत्थरबाजी हुई और आज सुबह की तस्वीरों में भी उनके छत से पत्थर और पेट्रोल बम मिले हैं। तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि दंगों की पूरी तैयारी की गई थी। इसे छत कहना लाजमी नहीं होगा क्योंकि जहां पर नजर घुमाई वहां सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दिए। पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए जिसको लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन दंगों के पीछे ताहिर हुसैन का हाथ है। सारा ये देखो ताहिर करवा रहे हैं, अभी भी उसने दो को फोन किया कि भाई लगा जाओ, सब ताहिर ही करवा रहा है। तो ये सबको बोल रहा है कि लगाओ जितना लगा सकते, सिर्फ हिंदुओं के घर में आग लगा, मुसलमानों का दुकान छोड़ो, हिंदुओं के। पत्थरबाजी में मारे गए अंकित शर्मा के भाई ने पूर्वी दिल्ली के नेहरू विहार से आम आदमी पार्टी के पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि ताहिर दिल्ली की राजनीति का कोई चर्चित चेहरा नहीं है। हालांकि पूर्वोत्तर दिल्ली में खास तौर पर शहादरा, नेहरू नगर, चांदबाग के इलाके में उनका काफी नाम है और मुस्लिम समुदाय के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। ताहिर हुसैन की बात करें तो 2017 में वो आम आदमी पार्टी की टिकट पर पार्षद बने। पेशे से बिजनेसमैन मोहम्मद ताहिर हुसैन ने लगभग 18 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। हालांकि वीडियो वायरल होने और उनका नाम आने के बाद ताहिर हुसैन ने सफाई देते हुए ये कहा कि दंगा भड़काने में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि गंदी राजनीति के चलते उनका नाम बदनाम किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया है और तभी से दिल्ली की हालत खराब है। मैं आप पार्षद ताहिर हुसैन, आप सबको बताना चाहता हूँ, जो भी खबर मेरे बारे में चलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो सरासर गलत है। ये गंदी राजनीति के चलते मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है। जब से कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया है तब से ही दिल्ली के हालात खराब हैं, जहाँ पे जगह जगह पत्थरबाजी, ये तमाम चीजें की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। लेकिन कई वीडियो ऐसे आए हैं जिनमें आप पार्षद ताहिर हुसैन छत पर दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ उनके कुछ समर्थक भी हैं, पीछे से आगजनी की तस्वीर भी नजर आ रही है, कहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने भी ट्वीट करते हुए ताहिर को तुरंत अरेस्ट करने की मांग की है। सच और झूठ क्या है ये तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा, पर वहां के स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि हमलावर बाहर से आए थे, यानी कि वो इलाके के आम निवासी नहीं थे। इससे एक बात साफ हो जाती है कि दिल्ली एक सोची समझी प्लानिंग का शिकार हुई। बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि इस दर्दनाक और शर्मनाक हिंसा के पीछे जो भी जिम्मेदार है वो जल्द से जल्द बेनकाब हो और उन तमाम मासूम लोगों को
तुरंत इंसाफ मिले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए punjabkesari.com से।